एवरीवन, आई एम जेबर एंड यू आर वाचिंग एस जे ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ऑप्शन चेन को कैसे रीड किया जा सकता है। आज मैं ये लाइव मार्केट में रीड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा कि हम इसको कैसे देख सकते हैं, क्योंकि आज का मार्केट अभी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सा एक फ्लैट चल रहा है। हमने एक डिप देखा सपोर्ट के पास से, यहाँ पे एक बाउंस देखा और वापस हम यहाँ पे इसी लेवल पे है जहाँ पे काफ़ी सारा स्ट्रेडल बन रहा है 42,500 पे और यहाँ पे 18,400 इस जगह पे अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अभी यहाँ पे पोजीशन बन रही है। कल एक्सपायरी है तो हो सकता है काफ़ी सारे ट्रेडर अभी यहाँ पे प्रीमियम डिके का बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पे 42,500 का कॉल और पुट दोनों बेच रहे हैं। तो उसको अगर हमें ऑप्शन चेन में देखना है तो क्या करना है? आज का जो यहाँ पे मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आई चार्ट का ऑप्शन चेन। अगर ये आप कोई भी वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आपका कोई एक्सेल है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, एनएसी वेबसाइट में भी मिल जाता है और काफ़ी सारे अदर जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको मिलेगा। मैं आने वाले वीडियो में एक जो वेबसाइट है वो लेके आने वाला हूँ जहाँ पे आप फ्यूचर और ऑप्शन चेन आप रीड कर सकते हो, वो भी वहाँ पे फ्री वेबसाइट है तो वहाँ पे आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले देखते हैं यहाँ पे ये जो लेआउट है इसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक में आपको क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे पहले ही देखने को मिल रहा है कि ये टोटल है, यानी कि सब जो भी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, यानी कि नियर एट द मनी स्ट्राइक्स। मैं अगर यहाँ पे ऑल करूँगा तो यहाँ पे फर्दर चेंज हो जाएगा। तो ये जो होता है कि टोटल यानी हमारे जितने कॉल और पुट जो बना हुआ है उसमें यहाँ पे पोजीशन है कि ज़्यादा यहाँ पे पुट शॉर्ट हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे 10 लाख के करीबन पुट शॉर्ट हुआ है एंड कॉल 9। तो यानी भी क्या हुआ है कि आज का जो यहाँ पे ट्रेंड है आपको यहाँ पे बाय ऑन डिप मिलेगा और नीचे में आपको सपोर्ट मिलता रहेगा क्योंकि पुट ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, नियर एट द मनी स्ट्राइक करता हूँ, क्योंकि अगर मैं 1,000 या 2,000 पॉइंट के दूर का मैं अगर कुछ बेच रहा हूँ तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे नियर एट द मनी स्ट्राइक करता हूँ। अगर आपको भी सीखना है तो नीचे का 5 स्ट्राइक, ऊपर का 5 स्ट्राइक वो बहुत हो गया, उतना ही अगर आप फॉलो करते हो उसको ही रेड करो। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ये टोटल ओआई है। तो अभी हमें 2 टावर जो दिख रहे हैं वो है यहाँ पे, अगर आप कर्सर ले जाता हूँ मैं तो 18,400 पे आपको देखने को मिल रहा है कि पुट थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट है कंपेयर टू कॉल, पर अभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी कॉल भी काफ़ी अच्छा है। जितना देर यहाँ पे 18,400 के ऊपर सस्टेन करेगा, ये जो कुल कॉल जिन्होंने शॉर्ट किया है वो यहाँ पे एक बार पैनिक में आ सकते हैं अगर हम 18,435 को क्रॉस करते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो कॉल राइटर एग्जिट होंगे, पॉसिबल यहाँ पे भी एग्जिट होंगे। तो अभी के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करीबन 1,18,00,000 के आसपास है और पुट ओनली 25 लाख। तो ऐसे एनालिसिस में इसमें आपको क्या करना होता है कि पुट साइड आपको मॉनिटर करना होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूँगा, 18,500 का स्ट्राइक मॉनिटर करूँगा। अगर ये पुट यहाँ पे 25 लाख से इंक्रीज़ होता जाता है और वहाँ पे हो गया यानी कि 35 लाख के आसपास, कॉल है कम होकर आ गया यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास, तो एक हमें यहाँ पे हिंट है कि हमें जो भी ट्रेड लेना है हमें बाय यानी कि लॉन्ग साइड का लेना है, कॉल बाय करना है या तो पुट शॉर्ट करना है। उस हिसाब से आप स्ट्राइक यहाँ पे देख सकते हो। नीचे में आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर पुट शॉर्ट ही देखने को मिलेगा, पर अगर यही जो कैंडल है आपको इस लेवल के आसपास कहीं देखने को मिलती है तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि अभी आपको शॉर्ट तो नहीं करना है, पर अगर कोई डिप आता है सपोर्ट पे रुकता है मार्केट तो हमें बाय करना है। सेकंड क्या आता है यहाँ पे, ओआई चेंज, यानी कि आज का जो स्ट्राइक है यहाँ पे क्या ओआई चेंज किया हुआ है वो देखना है। तो ओआई चेंज में हमें भी देखने को मिल रहा है कि पुट शॉर्ट हुआ है। फिर हम आगे जाके देखते हैं तो कॉल जो अनवाइंडिंग हुआ है वो 18,800, इसको आप ज़्यादा हम इसको क्या इम्पोर्टेंस नहीं देख सकते क्योंकि ये एक थोड़ा आउट ऑफ मनी हो गया है। पॉसिबल है ये जो शॉर्ट किया है इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हो सकता है या कभी भी। तो आपको जो मॉनिटर करना है, अगर यही कैंडल आपको यहाँ पर मिलती ना ये 18,500, तो डेफिनेटली आपको एक मूव ऊपर की साइड कन्फर्म मिलता क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं। तो आपको ऐसा कोई भी कैंडल देखने को मिले एट द मनी तो आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि उस साइड आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। दूसरी चीज़ कैसे हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पे एक ओआई ब्रेकअप भी है। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ओपन इंटरेस्ट ब्रेकअप का। तो इसमें हम पहले निफ्टी कर लेते हैं।
इसमें आप कोई भी स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ ज़्यादातर कि अगर 18,400 यहाँ पे अभी चल रहा है तो मैं एक स्ट्राइक नीचे, सॉरी दो स्ट्राइक नीचे ले लूँगा, ऊपर की साइड में पुट में भी सिमिलर करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा 15 मिनट। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या देखना है, तो देखने को मिल रहा है कि मार्केट अगर नीचे जाना होता तो ये जो आपको देख रहा है ना ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे इंक्रीज़ होता, डिक्रीज़ नहीं होता। जैसे आप देखोगे ना यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि लोगों को अभी भी यहाँ पे है कि 18,500 हम जो शॉर्ट कर रहे हैं हमें यहाँ पे पैसा मिल सकता है। नीचे की साइड यहाँ पे क्या है, अगर एग्रेसिव यहाँ पे बढ़ता है ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ पे हाई चांस है कि एक और डीप आएगा। जैसे ओपनिंग में क्या हुआ था, ओपनिंग में आप देखोगे जैसे मार्केट ओपनिंग हुआ था 23% था, उसके बाद में आप देखोगे पहले जो यहाँ पे 10 बजे के बाद में, यानी 45 मिनट के बाद में कंटिन्यूस यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। तो स्टार्टिंग में जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा तो आपने यहाँ पे प्राइस में भी देखा होगा, जो प्राइस इसका था यहाँ पे करें वो भी यहाँ पे फॉल हुआ था। ज़्यादातर क्या होता है कि प्राइस अगर कम होता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रेश शॉर्ट बन रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो शॉर्ट बिल्डअप, वही चीज़ अगर क्या होगी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी। जिन्होंने शॉर्ट किया है स्टार्टिंग में कि हाँ ये 18,300 टूटेगा नहीं, तो वहाँ पे देखोगे शॉर्ट कवरिंग जैसे ही आने लगी मार्केट में आपका प्राइस ऊपर जाने लगा, जैसे 127 से 162 चला गया, यानी इसने हाई लगा दिया 30 पॉइंट्स का और हाई 164 करके, अभी भी आपका देखोगे हाई 168 है और अभी यहाँ पे चल रहा है प्राइस वो है 137। तो आपको ये मॉनिटर करना है कि ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा है। अदर साइड क्या देखते हैं हम, स्टार्टिंग से ही इसमें यहाँ पे 18,500 पे पुट शॉर्ट होने लगा, उसका प्राइस क्या था आप देखोगे ओपनिंग जो हुआ है ना पहले 20 मिनट में वही उसका हाई बन चुका है, तो 154 है और वहाँ से कंटिन्यू आपको ओआई इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। कहाँ तक गया था, 154 से 102 तक गया था, वहाँ पे उसने लो लगाया करीबन 97, उसके ये यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था 95 जो हो गया 90। उसके बाद में आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ ये जो 90 है अभी तक का ये हाई बन चुका है। तो आप क्या कर सकते हो इन सिनारियों में, आपको यहाँ पे देखना है कि अगर ये प्राइस इसके ऊपर जितना रहेगा उतना क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सेलर को प्रॉब्लम रहेगा, ये इसका एवरेज प्राइस आ गया। जब भी आपको अगर शॉर्ट करना होता है नेक्स्ट तो आप क्या करोगे, जैसे ही फिर से 90 के नीचे जाता है आप शॉर्ट करोगे। अभी क्या हो रहा है, काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट भी बन रहा है लास्ट टू, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे पॉसिबल है एक ऊपर का साइड और कंटिन्यूएशन आ सकता है। तो ये एक टोटल यहाँ पर बन जाता है, प्राइस और ओआई का ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है। ज़्यादातर क्या होता है शॉर्ट कवरिंग कब आती है कि जिन्होंने शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, वो जब एग्जिट करने लगेंगे तब आपका प्राइस बढ़ता है। तो ये थोड़ा एक ध्यान में रखना। तीसरी चीज़ क्या होती है जो हम एवरीडे वीडियो में भी हम रीड करते हैं, वो रहता है हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो इसमें ज़्यादातर हम मॉनिटर करते हैं एट द मनी से 5 स्ट्राइक नीचे 5 स्ट्राइक ऊपर। तो यहाँ तक हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें 18,100 तक, तो अभी के हिसाब से आपका जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन सा है, एट द मनी पे है, ऊपर में क्या है 18,400। पॉसिबल क्या रहेगा, अब यहाँ पे हम थोड़ा टाइम पास करेंगे दोनों का, यहाँ पे टोटल कर देते हैं 120, यानी नीचे में क्या होगा आपका सपोर्ट बन गया 18,280 के आसपास, ऊपर में आपका 18,520 आपका एक रेजिस्टेंस बन गया। तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन शॉर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, 18,300 18,500 को ये दोनों आप शॉर्ट करके बैठ सकते हो, तो यहाँ पे काफ़ी सारा आपको हाई चांस रहता है आपको यहाँ पे पैसा बन सकता है। सेकंड चीज़ आप क्या नोटिस करना है कि जब भी आपका एट द मनी प्राइस होता है, जैसे यहाँ पे इन द मनी पे ज़्यादा शॉर्ट होता है, यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे शॉर्ट दिखाई दे रहा है जबकि यहाँ पे अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है, यानी कि आज जो कंट्रोल है पूरा बायर्स के हाथ में कंट्रोल है। अगर यही चीज़ यहाँ पे 18,400 मुझे एक यहाँ पे रेट देखने को मिलता है, इसको इग्नोर कर देना, इसको नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि इसका प्राइस 3 है। अगर मैंने यहाँ पे 15 पे बेचा होगा तो मैं यहाँ पे 3 पे डेफिनेटली एग्जिट कर जाऊँगा, वेट नहीं करूँगा। ये क्या होगा, यहाँ से एग्जिट करके वो क्या करते हैं हायर एंड पे आके यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। तो हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये 3-4 स्ट्राइक के अंदर अगर कहीं पे भी मुझे माइनस दिखता तो क्या होता है कि यहाँ पे जिन्होंने 18,300 शॉर्ट किया है उनको लग रहा है कि नहीं अभी भी मार्केट नीचे जा सकता है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। सेकंड चीज़ यहाँ पे भी है,
ज़्यादातर आपको जैसे यहाँ पे है माइनस ये हुआ है 18,300, यानी कि इन लोग को क्या लगा है कि मार्केट अब यहाँ से और ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलेगा। और जितना ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा आपको वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो अभी हमारे लिए 18,500 एक रेजिस्टेंस है, तो इस हिसाब से आपको करना है। और ज़्यादातर आप अकेले एक वीकली पे ध्यान नहीं देख सकते हो, आपको क्या करना है वीकली के साथ एक मंथली भी देख लेना है। तो मंथली में भी जाके देखते हैं, तो मंथली में हमें डेटा क्या दिखाई दे रहा है, 18,400 पे ही दोनों साइड हाईएस्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब इसका हम अगर टोटल मैच करते हैं तो टोटल करीबन आता है 300 पॉइंट, नीचे 18,100, ऊपर 18,700, ये हमारा रेंज बन गया इस मंथ के लिए अभी का। इसको हम कैसे देखेंगे कि आप देखोगे 18,500 पे, यहाँ पे 5,25,000 है, 18,300 पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है। तो यानी इसमें भी क्या देखेंगे कि जो पुट राइटर है उनके हाथ में अभी भी कंट्रोल है। ये लोग कब ट्रबल में आ सकते हैं कि अगर मार्केट कोई भी सिचुएशन में अगर 350 के नीचे ओपन होता है तो क्या होगा, ये 5 लाख, 1,28,000, 740, ये सब यहाँ पे ट्रैप होंगे और इसको फर्दर पुश करेंगे 18,200 के लिए। बस यही इतना सिंपल रहता है ऑप्शन चेन एनालिसिस, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने का। लोग जाते हैं कि इसको PCR देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, वो सब इसको इतना इम्पोर्टेंस मत दो। 10-15% इम्पोर्टेंस दे दिया आपकी स्टडी में इनफ है। सबसे ज़्यादा जो है वो है चार्ट का। आप देखोगे यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, तो आप क्या कर सकते हो इसे सिनारियो में, आपको अगर यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना है तो ऐसे आप क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। शॉर्ट के लिए क्या करेंगे, इस लेवल का वेट करेंगे और इसके बीच में नो ट्रेड कर देंगे और बैठ जाएंगे। नीचे यहाँ पे गया तो ब्रेकडाउन, इसके ऊपर गया तो ब्रेकआउट, बस ऐसे ही सिंपल ट्रेड आप करोगे। थैंक यू दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।